अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अक्सास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। ये पाव भाजी एकदम बाज़ार जैसे बनने वाली है। इसे बनाना आसान है। आज मैं आपको इसकी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे एकदम बाज़ार जैसे बनकर तैयार होंगे और देखने में भी बाज़ार जैसे लगेंगे। तो चलते हैं हम पाव भाजी बनाने। मैंने यहाँ पे 3 आलू, 3/4 कप हरी मटर ली है। 4 से 5 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लिया है मैंने। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके पानी के साथ ही निकाल लें, पानी को ना फेंकें। अब हम मैश कर लेंगे, हल्का सा मैश कर लें। अब ये जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करके पैन को गर्म कर लेंगे। अब मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच बटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो बटर और तेल दोनों मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बटर यूज़ करें पाव भाजी में। अब बटर मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे। गैस के फ्लेम को लो रख के इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इसे मिक्स करके छोड़ दें ताकि प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए। अब इसमें 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। इसे भी थोड़ा फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद चॉप की हुई शिमला मिर्च को भी डाल लेंगे। शिमला मिर्च को 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लें। लो फ्लेम पे शिमला मिर्च और प्याज को पका लेंगे। जैसे ही ये पक जाएगा हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और मिला दें। इसे अच्छे से हिलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद टमाटर डाल लेंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटर डाल लें। टमाटर के साथ नमक भी मिला लें ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से पका लें। अब देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये इसमें ऑप्शनल है, आपको बाजार जैसी पाव भाजी चाहिए तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें। रेड फूड कलर को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें आलू और मटर मैश किया था वो डाल लेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखा है मैंने और अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद पाव भाजी मसाला डाल लेंगे। पाव भाजी मसाला मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो रेडीमेड सब्जी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 स्पून पाव भाजी मसाला डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल लेंगे और मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो दाल मैशर से भी मैश कर सकते हैं।
इसके बाद कस्तूरी मेथी डाल लेंगे। अच्छे से रब करके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। कस्तूरी मेथी से टेस्ट अच्छा आता है तो ज़रूर ऐड करें। अच्छे से मैश करके 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और मैश करते रहेंगे। अब धनिया पत्ता डाल लेते हैं और वापस मिलाते हैं इसे। हम जितना मैश करेंगे पाव भाजी का टेक्सचर उतना ही अच्छा आएगा। अगर भाजी गाढ़ी हो गई तो थोड़ा पानी डाल के वापस पकाएंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल लें, मिला दें इसे अच्छे से और एक 20 सेकेंड इसे पका लें। बटर को मिला के फ्लेम बंद कर लें। यह हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। अब भाजी को हटा के तवा हीट कर लेते हैं और अब थोड़ा सा बटर डाल लें, धनिया पत्ता भी डाल लें। आप देख सकते हैं पाव के ऊपर भी ऐसे ही बटर को अप्लाई कर लें। अब इसे दोनों साइड से हल्का सा टोस्ट कर लें। इसे टोस्ट करना है, पकाना नहीं है। हमारे पाव रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। टोस्टेड पाव को भी रख दें। अब प्याज, नींबू और हरी मिर्च के साथ सर्व करें। थोड़ा सा बटर तो बनता है। इस सुपर टेस्टी पाव भाजी ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें। इस रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।